वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेज इफ्तिखारज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे कहवे की रेसिपी जिसमें इस्तेमाल करेंगे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाले हैं, ख़ास तौर पर बदलते मौसम में। जब हम गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल लोगों को, और खांसी, गला ख़राब, जिस्म में दर्द, बच्चों की चेस्ट एकदम पैक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं। तो इन सब से बचने के लिए इस बेहतरीन से कहवे को आपने ट्राई करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। बहुत जल्दी बन जाता है और ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों से जो कि घर में ही मौजूद होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या किया है कि जी 2 कप पानी ले लिया है। इन 2 कप पानी के अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। चूल्हा ऑन करेंगे और दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें तो दुआ पढ़ें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो और आपके नाम माल में बहुत सारी निकियाँ लिखी जाएँ। यहाँ पे देखें व्यूवर, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जी, हल्दी है 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है पानी में। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून सौंफ, दालचीनी के कुछ टुकड़े, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 4 काली इलायची, लहसुन का एक बड़ा वाला जवा, अदरक का तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, और कोई भी अपनी पसंद का कहवा लें और इसमें डाल दें। ये सब चीज़ें हम इसमें डाल चुके हैं। जब तक ये उबलता है चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए यह गुनाह काफ़ी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह हमें लड़ाई झगड़े से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे देखें जी, कहवा हमारा अच्छे से पक रहा है, खूब जोश खा रहा है। हमने क्या करना है कि ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट हम उबालेंगे और फिर चूल्हे को बंद कर देंगे, और फिर हम कहवे को नीम गरम सर्व करेंगे। और अगर आपको महसूस होता है कि इस कहवे में आप कोई टेस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा लेमन जो है वो निचोड़ लीजिए, और अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो इसमें शक्कर या फिर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हनी का इस्तेमाल करना चाहें तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। जी तो वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, इस कहवे को हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आप इस्तेमाल करें और मौसमी तब्दीलियों से होने वाले मसाइल से बचें, ख़ुद भी बचें, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचाएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।